सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान में ऐसा हो रहा है, देखो लड़कियों को देखे तो आए दिन रेप का मामला चलता रहता है और सरकार इसमें कुछ नहीं करती। गलो सरकार साली चूती है, कैसे हाँ क्या कुछ काम ही नहीं करती। अच्छा आर्य एलम सबसे ज्यादा यही लग रहा है, तो यहाँ कपड़े छोटे पहने जा रहे हैं। आती है कोई पेपर लीक हो रहा राजस्थान में तो कांग्रेस से, तो पेपर लीक हो रहा है। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान, मैं हूँ आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के दौसा जिले में। दौसा जिले में की बात करें तो यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है इस बार? कल 6 नवंबर था, कल नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब यहाँ के जनता जनार्दन क्या निर्णय लेने वाली है, आइए हम जनता से जानते हैं। क्या इस बार क्या बदलाव चाहती है या फिर से कांग्रेस सरकार चाहती है? राजस्थान की जनता क्या सोचती है? महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ की जनता सोचती है, सड़क पानी बिजली को लेकर क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। लोग यहाँ पे ये राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, ये दौसा जिले में दौसा में पड़ता है। लोग यहाँ पर खासकर महिला लोग हैं, युवा लोग हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानने का कोशिश करूँगा कि चुनाव को लेकर यहाँ की सरकार को लेकर उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? प्रशांत मीणा लिखता हूँ। प्रशांत मीणा जी, तो क्या कर रहे हो अभी आप? अभी मैंने 12th किया है, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, फोन मिला है आपको? फोन नहीं मिला मेरे को, लड़कियों को मिला है, मेरे को नहीं मिला कुछ भी फोन। लड़कियों को मिला, आपको नहीं मिला है। जब लड़की की बात हो रही थी, ये बताइए कि यहाँ सुरक्षा के दृष्टि से राजस्थान कैसा लग रहा है? सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान में ऐसा हो रहा है, देखो लड़कियों को देखे तो आए दिन रेप का मामला चलता रहता है और सरकार इसमें कुछ नहीं करती, और आम युवा भी अगर कुछ भी होता है ना लड़कियों के साथ तो कोई उसमें सहयोग नहीं करता। हाँ आप ये बताओ कि बार बार राजस्थान में आप युवा हैं, पेपर लीक बार बार देखने को मिल रहा है, इसको लेकर बार बार सवाल या निशान उठाए भी जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसको लेकर ये कहना है डॉक्टर किरोड़ी लाल इसमें बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन और जो नेता है वो इसमें सहयोग नहीं करते, बाकी जनता पूरा सहयोग कर रही है। और हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी करता है मेहनत करता है ना, पेपर लीक के कारण या तो एग्जाम रद्द हो जाती है या फिर वो रह जाता है, और कुछ सीटें हैं जो बिक जाती है। हाँ जी, यहाँ पर सीटें भी बिकती है? हाँ कुछ हद तक सुनने को आई है, और पेपर लीक हुआ अभी, बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं। शिक्षा को लेकर कैसा स्थिति है राजस्थान की? शिक्षा को लेकर स्थिति सही है, बाकी सरकार योजना चला रही है शिक्षा के बारे में बहुत सारी। जी सरकार इस बार गहलोत सरकार इस बार 7 गारंटी दे रही है कि अगले 5 साल अगर जो फिर से सरकार बनती है कांग्रेस की, तो हम लोगों को लैपटॉप दे, युवाओं को लैपटॉप देने का काम करेंगे। कैसा है, क्या लग रहा है? देखते हैं अभी क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है मेरे को। सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों में चल रही टक्कर, अभी देखते हैं क्या होता है। खासकर दौसा की बात की, दौसा में कांग्रेस का ज्यादा वो है। हाँ सब लोग यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको भी वोट देने की बात कर रहे हैं। दौसा में कैसा विकास रहा है? दौसा का विकास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे रोड वगैरह बन गए और कुछ हद तक सुधार है पहले से। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो देखते हैं कौन बढ़ता है, बाकी मैं अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहा हूँ। अशोक गहलोत को सपोर्ट जी। अच्छा, अशोक गहलोत को ये कर रहे हैं, उसका आलोचना भी कर रहे हैं? आलोचना भी है, कुछ गलती भी है, उनको सुधारनी चाहिए, कुछ अच्छाइयां भी है, क्योंकि एक इंसान सही नहीं हो सकता, गलती भी है और अच्छाई भी उसमें। भैया आपका नाम क्या हुआ? रोहितास। रोहितास, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो। इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल यहाँ का, दौसा का? पूरे राजस्थान का है बताओ। राजस्थान का यार ऐसे देखा जाए ना तो बीजेपी अच्छी होगी, बीजेपी आएगी। हाँ भाई, गहलोत सरकार से क्या आप लोग? गहलोत सरकार साली चूती है, कैसे? हाँ क्या कुछ काम ही नहीं करती? अच्छा, कुछ काम नहीं करती है? नहीं तो गहलोत सरकार कह रही है कि हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने सिलेंडर 500 मेरी बात सुनो, मोबाइल दे रहे हैं, वादे करते हैं। मोबाइल मिला कई घरों में, मिला कई में नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप युवा हो, बार बार पेपर लीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं बार बार? पेपर लीक हो जाते हैं ना, उसमें कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का हाथ है? हाँ बिल्कुल। क्या बदलाव चाहते हो या फिर वही सरकार चाहते हो? नहीं, कोई बीजेपी चाहते हैं हम। बीजेपी चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री या किरोड़ी लाल? किरोड़ी लाल। हाँ, या कोई और बना दे, कोई और बना दे। हाँ, ये वसुंधरा नहीं चाहिए हमको। वसुंधरा नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, इनको वसुंधरा नहीं चाहिए। आपका नाम क्या? अरे बताओ यार, आप बता भैया, इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? करण मीणा। यहीं के रहने वाले हो? यहाँ कोई जो। अच्छा, क्या करने यहाँ पे आप कभी आए हो? हैं, घूमने आए हो कि खरीदने के लिए आए हो यहाँ पे? टाइम पास करवा। टाइम पास करने के लिए आए हो। अच्छा, ये बताओ कि सरकार कैसी चल रही है यहाँ की राजस्थान की? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। खुश हो सरकार से? हैं,
सरकार से खुश हो आप यहाँ की सरकार से? मत खुश हूँ, खुश हूँ। ये बताओ आप कि खासकर राजस्थान की बात करें, आप युवा हो तो यहाँ पर महिलाओं को लेकर ऐसी स्थिति क्यों यहाँ पे है कि महिलाओं का शोषण बलात्कार राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिल रहा है? यहाँ पर नंबर वन अभी वर्तमान में पूरे भारत में राजस्थान की स्थिति है, उसको लेकर क्या आप? आर्य एलम सबसे ज्यादा यही हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ कपड़े छोटे पहने जा रहे हैं। अच्छा, कपड़े छोटे पहने जा रहे हैं, सही बात है। अच्छा, ये युवा है, इनका कहना है कि राजस्थान में रेप इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन रहे हैं, इनकी सोच ये है। आप समझ सकते हैं कि युवा है, किस क्लास में पढ़ते हो, काम क्या कर रहे हो? मैं बारहवीं कर रही थी, अभी बारहवीं की क्लास में ये भी है और ये बात कर रही। ये बताओ आप कि जब आप युवा की बात कर रहे हो, आप रेप की बात कर रहे हो, यहाँ का एक मंत्री है शांति धारीवाल, राजस्थान के एक मंत्री हैं, उत्तर कोटा से विधायक हैं, उनका कहना है कि राजस्थान में बलात्कार के मामले इसीलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे मर्द हैं, मर्द लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, इसको लेकर क्या कहना है? गुंडागर्दी ज्यादा है, गुंडागर्दी ज्यादा है यहाँ पे है, या मर्डर हो जाता है, कुछ नहीं होता, उनको मारते भी नहीं है। तो ये बताओ मर्डर यहाँ पे हो जा रहा है, तो सरकार तो सही से काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है सही से काम नहीं कर रही यहाँ पे सरकार चुका है, मतलब पुलिस, मतलब कोई पकड़ेबाज पुलिस को तो सरकार ही हैंडल कर रही है ना, पकड़ेबाज भी छोड़, गृह मंत्रालय किसके पास है, गहलोत जी के पास है ना, किसकी जिम्मेदारी बनती है इसमें? सरकार की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे बताइए, आप बता रहे थे यहाँ किरोली वाले मीना, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीना। नरेंद्र कुमार मीना है, हाँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार माहौल ये लग रहा है बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है, हाँ। क्यों बीजेपी आ सकती है? बीजेपी का माहौल चल रहा है ज्यादातर, माहौल चल रहा है। या गहलोत सरकार कैसी काम कर रही थी आप? घर सरकार भी अच्छी कर रही थी काम, तो ऐसे तो आप करते क्या हो ये बताओ? विवाह नहीं हुआ अभी मेरा। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। तो पढ़ाई शिक्षा को लेकर क्या क्या योजनाएं सरकार द्वारा, क्या क्या लाभ मिला है सरकार से? इस सरकार से कुछ ज्यादा तो लाभ नहीं मिल रहा, कुछ वैकेंसी आती है, कोई पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में, तो कांग्रेस से तो पेपर लीक हो रहा है, हाँ। अच्छा, और फोन वगैरह गहलोत सरकार बार बार ये तमाम दोहराती है कि हमने युवाओं को फोन दिया है, युवाओं के हाथों में फोन देने का काम किया है, फोन मिला है आपको? फोन ऑन कुछ भी नहीं मिला, ये तो ऐसे बोलते हैं, झूठे वादे है। इस बार सरकार किसकी? सरकार तो बीजेपी आनी चाहिए इस बार, बीजेपी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो पहले से चलते आ रहा है वसुंधरा राजे, हाँ। सचिन पायलट तो कांग्रेस से, क्या पता उसका तो अभी। ये बताओ मोदी सरकार कैसी काम कर रही है? मोदी सरकार कुछ थोड़ा बहुत तो सही करती है, कभी वैसे ही कोई। और यहाँ पे लोग हैं भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मीना है। राजेंद्र कुमार मीना, यहाँ पर मीना लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? यहाँ पे मीना का कुछ ज्यादा है, की जनसंख्या ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या करते हो? मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, हाँ जी। ये बताओ कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, हाँ। तो जैसे गहलोत सरकार है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल करती जा रही है, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार है। हाँ जी, लेकिन अब शिक्षा की बात करते हो तो बार बार यहाँ पर पेपर लीक का मामला ज्यादा सब सामने आ रहा है। यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसका पेपर लीक हो जा रहा है, फिर एग्जाम रद्द हो रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे? हाँ, तो पेपर लीक तो हो रहे हैं, उसमें गहलोत की कोई गलती नहीं है ना, जो उनके मंत्री है ना वो भ्रष्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो उनके मंत्री है ना वो भ्रष्ट है, गहलोत भी इसमें सही है, गहलोत सही है, मंत्री भ्रष्ट है। हाँ जी, इसमें क्या है, गहलोत की सरकार में खींचातानी चल रही है ना, कभी सचिन पायलट इधर खींचता है, कभी गहलोत इधर खींचता है ना, इस वजह से मंत्रियों को खुली छूट मिली हुई है। सचिन पायलट का नाम ये बताओ, मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है तुम्हारा? मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद है गहलोत। सचिन पायलट नहीं है, नहीं। भैया क्या नाम हुआ आपका? भैया महेश कुमार मीणा, यही कहो, हाँ। दोसा, ये बताओ कि मीना यहाँ खास कर मीना भरा पड़ा है, क्या बात है यहाँ? दोसा में मीणे है ज्यादा, मीना है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार मीना किसकी ओर जा रहे हैं? मीणा राधेश्याम की ओर जा रहा है आपकी बार, राधेश्याम की ओर जा रहा है। ये मुरारीलाल मीणा, मुरारीलाल मीणा नहीं जीतेगा। पूरे राजस्थान का मीना समुदाय किसके साथ जा रहा है इस बार? बीजेपी को, बीजेपी या कांग्रेस? संभावना तो बीजेपी की है, बीजेपी की संभावना है। अच्छा, यहाँ पे भी है निर्दलीय, वो आम आदमी, वो जय भीम पार्टी शेरा दिशाम नांगल। अच्छा, तो उसका चल रहा है माहौल। अच्छा, और ये बताओ कि राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार?
सरकार तो बीजेपी की आएगी, बीजेपी की आएगी, मुख्यमंत्री बाबा है? बाबा बाबा मुख्यमंत्री कौन? बाबा बालक नाथ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अच्छा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। हाँ अच्छा, आप उन्हीं को पसंद करते हैं? बिल्कुल। अच्छा इनका किरोड़ी लाल मीणा को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम अब कुछ महिलाओं से यहाँ जानने का कोशिश करूंगा कि महिला लोग यहाँ की क्या सोचती है, कैसी सरकार है? क्या नाम है आपका? सोनलाल। सोनलाल, पूरा नाम क्या लिखते हो? सोनलाल बेंदड़ा। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है राजनीति माहौल यहाँ का? राजनीतिक माहौल ठीक है, वैसे नॉर्मल अभी हाल फिलहाल। अच्छा। तो गहलोत सरकार कैसी काम कर रही है यहाँ पे? गहलोत सरकार बढ़िया है, ठीक है। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अपने देखो अब शुरू से तो बीजेपी से है वह होने को, तो अब पिताजी के पार्षद रह लिए बीजेपी से, और हालांकि हमारे लिए तो देखो कोई से भी निकल जाए लेकिन ठीक है, गहलोत भी अच्छी है। गहलोत भी अच्छी है। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है वैसे। इसको महंगाई से ज्यादा है परेशानी, तो मेन बात ही है महंगाई ज्यादा परेशान। हाँ, रोजगार की स्थिति कैसी है राजस्थान में? रोजगार की भी काफी बेरोजगार है, काफी प्रॉब्लम है, समस्या है वैसे। और सब ठीक है? हाँ बढ़िया। मेरा नाम मुनीश है। मुनीश है, आप यहीं के रहने वाले हो? मतलब गढ़मोरा का रहने वाला। अच्छा, दौसा के रहने वाले हो ना? दौसा, दौसा में रहता हूँ। पढ़ जाए क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, मतलब यहाँ पे किसी की पढ़ाई कर रहे हो? एसएससी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहे हो। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये बताओ कि जो लगातार राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से युवा लोग एग्जाम देते हैं लेकिन एग्जाम बार बार रद्द हो जाती है यहाँ के एग्जाम में, तो क्या लग रहा है आपको इसको लेकर, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? यार हम तो सोचते हैं कि मतलब हमारे उस टाइम तो वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो जाता है। अच्छा, समय और पैसे वेस्ट हो रहे हैं आप? हाँ। और क्या इस बार चुनाव आ रहा है फिर से दोबारा यहाँ पे? हाँ। इस बार क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? क्या मतलब चुनाव मतलब किसको किसको देना चाहता है, किसके बारे में? किसको इस बार लग रहा है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार द्वारा कहा जा रहा है अशोक गहलोत द्वारा कि हम युवाओं को फोन दे रहे हैं, तो फोन मिला है आपको? फोन तो नहीं मिला यार। नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा अच्छा सर, तो ये बताओ कि आप इस सरकार से खुश हो या नहीं हो? मैं तो यार मतलब अब कुछ भी हूँ नहीं भी हूँ, मतलब तो नहीं हूँ। तो क्या इस बार या गहलोत सरकार इस बार चाह रहे हैं या फिर बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? मैं तो बीजेपी चाहता हूँ सरकार, तो बीजेपी चाहते हैं। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? किरोड़ी लाल मीणा। और आपने देखा किस तरह से यहाँ का खासकर युवा वर्ग जो थे उन्होंने अपनी राय रखी कि राजस्थान में किसकी सरकार चाहिए, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी यहाँ पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 दिसंबर को जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में आएगा, कांग्रेस या बीजेपी। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए, तमाम इस तरह के खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारा हिंदुस्तान पे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।